को बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य पांच राज्यों की मतगणना चल रही है। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बढ़त मिली है। बड़ी खबर में आपको बता दे, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो झांसी के बबीना सीट, नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। फाजिल नगर में स्वामी मौर्य प्रसाद आगे है। कानपुर महाराजपुर से मंत्री सतीश महाना। गाजियाबाद शहर और साहिबाबाद से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आगे। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह को। तो यूपी में झांसी बबीना सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली है। नोएडा से पंकज सिंह आगे निकले हैं। नोएडा से फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो जरा बात कर लें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, करहल सीट से वो भी आगे चल रहे हैं। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिद्धू आगे। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बढ़त, जो पीछे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती, रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पिटारे खुलेंगे, तस्वीरें अलग होती जाएंगी। कानपुर महाराजपुर से मंत्री सतीश महाना को बढ़त मिली है, कैबिनेट के मंत्री हैं। गाजियाबाद शहर और साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है। अमृतसर ईस्ट की बात कर ले, नवजोत सिंह सिद्धू को बढ़त मिली है, यानी सिद्धू का जादू चलता दिखा है पंजाब में एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में झांसी बबीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह आगे है। फाजिल नगर में बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी कोटे से मंत्री रह चुके थे यूपी कैबिनेट में, अब उन्होंने सपा का दामन थामा था यूपी चुनाव में और फिर से एक बार आगे। ये तस्वीरें अलग लगातार आ रही हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करहल सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, करहल सीट से आगे निकल रहे हैं अखिलेश यादव। कानपुर महाराजपुर से मंत्री सतीश महाना को बढ़त मिल गई है। गाजियाबाद शहर और साहिबाबाद की बात कर ले, विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी आगे। प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें तो 220 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 147 सीटों से आगे, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 69 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 2, कांग्रेस 0, अन्य को 2। तो उत्तराखंड की बात कर लें, 70 सीटों में पर रुझाने आई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 28 में आगे, कांग्रेस 24 दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी 0, अन्य को 4। पंजाब में बात कर लें, 117 में से 81 सीटों के रुझान सामने आए, कांग्रेस को 17, कांग्रेस 17 लाई है तो भारतीय जनता पार्टी 3, आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे दिख रहा है 49 सीटें, अकाली दल 11, अन्य 1। गोवा विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले, 40 में से 40 सीटों के रुझान सामने आए। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी गोवा में 17 सीटें, कांग्रेस 18, आगे चल रहा है कांग्रेस 1 सीट से। टीएमसी की बात करें, 4, आप 0, अन्य 1। तो गोवा में कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, महज एक सीट का ये फासला, जहां बीजेपी को 17 तो कांग्रेस को 18, एक सीट से कांग्रेस आगे। तो आपको बता दें, जहां पर पहले जो तस्वीरें आई थी गोवा में, जब कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही थी, कांग्रेस आगे बढ़ता दिख रहा था, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, तस्वीरें फिर अलग, रुझान फिर अलग। और ये तस्वीरें गोवा की, सरकार बनाने के नजदीक पहुंच चुकी थी कांग्रेस गोवा में, लेकिन अब गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है महज एक सीट पर। आपको बता दें, बीजेपी जहां पर 17 सीटें अभी के रुझान में, तो भारतीय जनता पार्टी को 17 तो कांग्रेस को 18, महज एक सीट का यह फासला और कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मणिपुर, जहां पर चर्चित चेहरे इस बार के विधानसभा चुनाव में, मणिपुर में आखिर कौन कौन रहे हैं, उन चर्चित चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं। मणिपुर में